नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है नवमी, नवरात्र की नवमी है आज, और मेरे मम्मी के इधर आज नवमी के दिन कन्या पूजते हैं, कन्या का भोज करवाते हैं। तो मम्मी फ़ोन की थी कि दोपहर में खाना है करके, तो जाना है मुझे बच्चों को लेके दोपहर में। लेकिन मम्मी सासू माँ के लिए मैं अपने खाना बना के जाऊँगी, कुमड़े की सब्ज़ी खाने के लिए बोलिए, कुमड़े की सब्ज़ी बना दूँगी मम्मी के लिए। श्लोक अभी उठा है, ब्रश किया उसने और रीति नहाने के लिए गई है। काम करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है मेरी आज। कल दिन भर इतना एग्रेशन हुआ कि मेरे हाथ पैर में अभी भी दर्द है। मैं उठ रही हूँ बैठ रही हूँ। पोछा बाकी है मेरे, पोछा मारने की हिम्मत ही नहीं हो रही। हाँ, कोई कोई दिन रहते हैं ना काम नहीं होते। अभी श्लोक को दूध पीना है तो वो बोलता है दूध नहीं चाहिए मुझे, मुझको चाय और बिस्किट खाना है, मैरी गोल्ड टीवी में देखा है तो उसको चाय बिस्किट चाहिए। टीवी में जो रह देखते हैं ना वो ये लोग खाने को मांगते हैं। मालूम गाय का दूध है, देखो रखा हुआ है उसके हिस्से का, रिद्धि ने पी ली है। एक बार फिर से कंफर्म कर लेती हूँ। नहीं पी रहा दूध, नहीं पी रहा क्यों? हॉर्लिक्स वाला दूध नहीं पी रहा? नहीं। कुछ दिन टीवी बंद कर दूंगी मैं। नहीं पी रहा ना? तो क्या होना? चाय और चाय बिस्किट है मेरे पास, बिस्किट। देखा टीवी में, देखा ना मारी गोल्ड, मारी नहीं मैरी गोल्ड। सो गाइस, यहाँ पे है अभी श्लोक, श्लोक पी रहा है अभी चाय, और साथ चाय पियेगा ना तू, चाय पी रहा है वो, साथ में बिस्किट खा रहा है, समझा? और यहाँ पे उसकी टीवी चल रही है, और यहाँ पे मैं हूँ, मैं नहा के निकल गई हूँ, और यहाँ पे मम्मी, मम्मी मार रहे हैं पोछा। सुबह के बज रहे हैं 11, दादी गए हैं अभी अद्दू के पास। तो मम्मी के लिए सब्जी बनाना स्टार्ट करती हूँ मैं, कुमड़े की, कुमड़ा काट के रखी हूँ मैंने, और ये सूखी लाल मिर्च, मीठा नीम और ये लहसुन छील के रखी हूँ, और एक टमाटर डालूँगी क्योंकि सब्जी ज़्यादा नहीं है इसलिए एक छोटा टमाटर, ठीक है ना? तो स्टार्ट करती हूँ मैं सब्जी बनाना। ये राई, जीरा और मेथी ली हूँ मैंने, इसमें मेथी मेथी डालने से इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है कुमड़े का, इसलिए मेथी ज़रूरी है। बहुत सिंपल बना रही हूँ मैं, ज़्यादा तामझाम वाला नहीं है। कई लोग मसाले की बनाते हैं इसको, मम्मी को पसंद नहीं मसाले का। तो शक्कर डालने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है खट्टा मीठा। इसको थोड़ा सॉफ्ट होने देती हूँ मैं, उसके बाद में इसमें डालूंगी एक टमाटर। टमाटर जल्दी डाल दो तो कुमड़ा पकता नहीं है। कुमड़ा 3/4 पक गया है, अब मैं टमाटर डाल देती हूँ। कुमड़ा पक गया है, टमाटर भी गल गए हैं। ये सूखी कस्तूरी मेथी है थोड़ी सी, वो डाल देती हूँ ऊपर से। तो होगी ये मेरी सब्जी, अब मैं जाती हूँ मम्मी के इधर। हाँ, फिर वहाँ जाके आपको वहाँ का दिखाती हूँ क्या चल रहा है वहाँ पे, ठीक है? तो मैं आ गई हूँ मम्मी के यहाँ। मम्मी के यहाँ कन्या भोज का कार्यक्रम शुरू है, आज रामनवमी है, 9वां दिन है आज नवरात्र का, और बच्चे खाना खाने बैठ गए हैं। मेरे इधर लड़कियों की बहुत शॉर्टेज है, लड़कियाँ मिलती नहीं है, छोटी छोटी सारी सारी की सारी लड़कियाँ बड़ी है, सब कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियाँ होगी वहाँ की। यहाँ पे देखो सारी की सारी लड़कियाँ एकदम कन्या, बहुत प्यारी प्यारी लड़कियाँ आई है, बहुत बातें करती है, दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ, ये देखिए लाइन से बैठे है, ये सबसे बड़ा तो ये लंगूर मैंने, हेलो बोल दो बेटा मेरी रानी। आज स्टार्ट हुआ है, वेरी गुड। वो डुगू अपने फ्रेंड के बाजू बैठा है, इसका भी नाम डुगू है, हेलो बोलो। हेलो।
हेलो हाँ हाँ दिख रहा है मेरे को कि मम्मी के साथ बैठी है। गरम गरम पूरी, ये भी हम खाने वाले हैं गरम पूरी। कन्याओं का खाना हो गया है और भी हम खाने वाले खाना गरम गरम पूरी। तो ये रिद्धि की मौसी ने लाई है रिद्धि के लिए केक, क्योंकि रिद्धि ने 85% लाई है। उल्टा हो गया ये, उल्टा है। सभी बच्चे सेलिब्रेट कर रहे, काटो काटो लड्डू, उसको उंगली चाहिए। चलो डुगू हाथ की लगा रहा है और सेलिब्रेशन। हाथ पकड़ना रिद्धि, लड्डू का डुगू हाथ पकड़। अरे लड्डू खाने में भिड़ गया है। डुगू आजा, हाथ के बाद अच्छे से पेपर देंगे। डुगू फर्स्ट क्लास आएगा और डुगू के लिए बड़ा वाला केक आएगा। पहले दीदी का, लड्डू दीदी का हाथ पकड़ो। बोले वो खा भी ली। वेरी गुड। अगले साल से मिली जाएंगी स्कूल, वो भी अच्छा पढ़ाई करेंगी, करेंगी ना। अगले साल से इसी साल से जाएंगी ना, एग्जाम अगले साल देंगी ना, इसी साल से स्कूल जाएंगी वो। ये अब मैं काटू, कल से स्कूल जाएंगी मिली तो। मेरा बाबू अच्छा पेपर दिया, मेरा बाबू अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छा पेपर दिया जी, मेरा बाबू अच्छे से पढ़ना, अगले साल मुझे 90% के ऊपर चाहिए। वाह मम्मी नानी को दो। अरे भाभी ऐसा मत करो, ऐसा कहाँ का खा रहे हैं। मैं नहीं खा रही। अरे अभी मम्मी को देंगे, नानी को देंगे, दादी को देंगे ना। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो भाभी मेरा ये बीपी चेक कर रही है। देखो मशीन है, भोजन के पैर में दम बना दे। ये भाभी चेक कर रही है मेरा बीपी कितना है। भाभी दिखाओ फिर इसमें कैमरे में। अभी तो चालू है। ये मेरा बीपी आया है 115 और 76। 115 क्या है भाभी? ये बीपी हाई? नहीं नहीं नॉर्मल नॉर्मल। और ये 76 और 115 नॉर्मल है और 91 जो है पल्स। पल्स 91 पल्स मेरा कोई बात नहीं, चलो जिंदा है। एक मिनट में पल्स 70 होना चाहिए। पल्स हाई है तो पल्स 70 होना चाहिए। पल्स हाई होने से क्या होता है फिर? एक्चुअली कैसा है, एक्सर्शन ज़्यादा होने से भी आपका पल्स हाई हो जाता है ना। ये रिद्धि सो रही है, देखो उसको घर जाने के लिए उठाई मैंने। अभी घर जाना है, इसकी मौसी चली गई है घर, पहुंच भी गई है वो वहाँ पे जाके, लेकिन ये उठने का नाम नहीं ले रही है लड़की। दादी चिल्लाएंगे इसकी, उठ। तो मैं घर पहुँच के मिलती हूँ आपसे, ठीक है? तो गाइस अभी बज रहे हैं 8 रात के 8 और मैं खा रही हूँ कुछ ये ब्रेड टोस्ट पकौड़ा। यहाँ पे है मम्मी, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, और यहाँ पे है दू महारानी। ये बनाए हैं दादी ने, दादी अभी ये किचन में, क्योंकि मम्मी को अच्छा लग रहा है तो मैं बना। अदू खा के बताएंगे कैसा बना। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। तो स्वीटी रिद्धि की चाची और मैं मिलके लगा रहे हैं बच्चों की बुक्स में कवर। बहुत रात हो गई है, बड़े बड़े लगा रहे। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, खाना मम्मी ने बनाई है पूरा। फिर रोटी सेकना है और स्वीटी बना रही है, स्वीटी लगा रही कवर। उसका स्टाइल देखो लगा रही का, पूरी बुक्स एक साथ, क्या बात है। लेयर पे लेयर करके 4 बुक्स हो गए हैं। ये 5वीं ज्यादा है क्या? कट कर दी उसको एक साथ, एक साथ कट कट कर रही है। वाह सीखने लायक है ये तो। ये बुक हो गई है, क्या बात है। तो कैसे लगाते आप? मैं तो एक एक पे लेयर पे टाइम लगता है। ये क्या एक बार पढ़ गया
लगाने में टाइम नहीं लगता। ये दो, ये तीन, चार, बोलो कुछ बोलो बोलो। ये है कवर लगाने का इजी वे, वो स्टार्टिंग का है ना कवर। इसको लेके जा रही थी मैं, इसको स्टेपल करती हूं। चलो चलो छोटी लाइट, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ कल आपसे नए ब्लॉग के साथ में। तो बने रहिए, बाय बाय। 110।